ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। आखिरकार आपने मुझे इस घर से भगा ही दिया था। बोलो भैया, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। अक्षरा दीदी, आप मत जाओ ना, आप मत जाओ। तू क्यों रो रहा है? तुझे तो मेरा कमरा मिल जाएगा ना। मुझे आपका कमरा नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ आप रहोगी, सिर्फ आप, और कोई नहीं रहेगा। बेटा, दीदी तो अब जीजू के साथ ही रहेगी ना। जीजू आप भी दीदी के साथ उनके ही कमरे में रहिएगा। आप उनको लेके मत जाइएगा। हम आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। बस आप दीदी को मत मत लेके जाओ। विदाई में सबकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। दूल्हे राजा, आप मत रोने लगिएगा, वरना सब हंस पड़ेंगे। मैं जा रही हूँ वर्षा, मेरे जाने के बाद तुझे इस घर की बेटी बनकर रहना होगा। बाबूजी का ख्याल तुझे ही रखना होगा। वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। मुझे पता है, मेरे जाने के बाद वो किसी से कुछ नहीं कह पाएंगे। तुझे ही उनका ख्याल रखना होगा, है ना? रखेगी ना? आप मेरी ज्यादा चिंता मत करना। और बाबूजी, माँ अगर फिक्र करे ना तो उन पर गुस्सा मत होना। वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए वो जी।
ऐसे रोइए मत माँ, वरना मैं नहीं जा सकूंगी। ऐसे अक्षरा अपने ससुराल कैसे जा पाएगी? हमें तो उसकी हिम्मत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। ऐसे नहीं शौर्य की माँ, मुस्कुराकर विदा कीजिए अपनी बेटी को। हमेशा खुश है मेरी बच्ची, खूब खुश है। और आप सब लोगों को मुझे एक वचन देना होगा, मेरे जाने के बाद आप सब लोग रोइएगा मत। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुस्कुराएंगे ना। रश्मि बेटा आओ, एक बार फिर गठबंधन करो। आओ बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं बैठ अक्षरा के साथ। माँ आप आराम से पीछे बैठिए, मैं आगे बैठ जाऊंगा। तुझे तो भाभी के साथ ही बैठना पड़ेगा,
जब तक गठबंधन है तब तक अलग अलग थोड़ी ना बैठोगे। ये बंधन अब गृह प्रवेश के बाद ही खुलेगा।